गणपति बप्पा भोला। कार्यालय से हमारा जैसे शुरू से ही मतलब हम लोगों ने जब से आए तो छोटा ऑफिस था, लेकिन उसको धीरे 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 अब विरोधियों के विरोध करने के बाद भी हमने बढ़ाने की कोशिश किया और यहाँ से और अच्छी तरह से मेरे मेंबरों की जो भी सुविधाएं रुके हुए हैं उसको यहाँ से पूरा करने की कोशिश करें। जैसे अब हमारे रिटायरमेंट हैं, मेम्बर को रिटायरमेंट 1 लाख रुपया है, मेडिकल है, बच्चों की पढ़ाई का है और मैरिज फंड है, ये सब सुविधाएँ हैं। कमेटी के फैसले के हिसाब से जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है इससे ज़्यादा भी मदद करते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए कमेटी का फैसला लेना पड़ता है। सर आपसे एक सवाल है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हमारी जो एसोसिएशन है वो गरीब मजदूरों की है, सारे लोगों के साथ सब जो भी एसोसिएशन है वो बड़े लोगों के, हमारा हमारी जो यूनियन है मेम्बर हमारे हैं कमज़ोर वर्ग के हैं, दिहाड़ी मजदूर है, लेकिन उनका जो दिहाड़ी मजदूर केवल पन्नों पे हैं लेकिन उनको मिलता नहीं, उसके हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और एसोसिएशन के अपेक्षा हमारे हमें नॉलेज है कि हमारे एशिया की सबसे बड़ी यूनियन है, लगभग 43,500 मेंबर हमारे मेंबर यूनियन के हैं, लाइट स्पॉट और सेटिंग, लेकिन कोई भी कुछ प्रोड्यूसर और कुछ आर्ट डायरेक्टर अच्छे हैं लेकिन ज़्यादातर हमारे मेंबरों का लोग शोषण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जब से हमारी नई टीम आई उसको तोड़ने की भी काफ़ी लोगों ने कोशिश किया, लेकिन लोगों की मेंबरों के सहयोग से आज हमने यहाँ पहुँचा, लोगों के लाभ विरोध करने के बावजूद हम यहाँ पहुँचे और कोशिश है कि मेंबरों की जितनी हो सकी हम भलाई करेंगे और उनका साथ रात इसी तरह अपनी यूनियन को और आगे लेके चलेंगे। क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने सदस्यों को? हमारे सदस्यों से किसी के बहकावे में ना आए और मिलजुल करके काम करें और यूनियन के सभी फैसलों को मानेंगे तो हर यूनियन उनके, अगर वे एक पैर आगे हमारे यूनियन के लिए करेंगे तो यूनियन उनके साथ तन मन धन से साथ में। न्याय दिलाने की जो सभी बातें करते हैं, न्याय का मतलब होता है कि वो न्याय किसी एक के हाथ में नहीं होता है, वो न्याय अपने आप मिलता है। हम लड़ेंगे न्याय के लिए, हम लड़ेंगे, वो न्याय मिलना न मिलना उसके ऊपर है। अब इसके बाद कहीं भी आप देख लीजिए, न्याय मिलने से नहीं मिलता है, न्याय मिलने का उसका जहां हक होता है वहां ही मिलता है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामनाएं हमारे मेंबर्स को हम देंगे, सबसे बड़ी शुभकामनाएं आज जो आप देख रहे हैं, जहां आप पांव रख के खड़े हैं, शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में किसी का इतना बड़ा ऑफिस होगा। हमारे गरीब मजदूरों का जो ये ऑफिस बन गया है इसके लिए हम सभी मजदूर भाइयों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना सहयोग दिया, धैर्य रखा, खास बात है कि उन्होंने धैर्य रखा, और हम उनको भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस प्रयास की आधारशिला रखी। हमारे पूर्व चेयरमैन माननीय श्री मिथुन चक्रवर्ती जी ने शुरुआत किया था और उस प्रयास को आगे बढ़ाते कोशिश करते करते आज हम उसके साथ में जुड़े और इस जगह तक पहुंचे जहां हम पांव रख के खड़े हैं। चेहरे कैसे दिखेंगे? राम कदम साहब ने जब इस यूनियन में पदार्पण किया उसके बाद मुझे लगता है कि यूनियन में एक प्रकार का ये सब मजदूर भाइयों में एक जोश आ गया और जोश आने के बाद मेरे ख्याल से संजू भाई ने जो काम की शुरुआत की
और साहब ने भी उनको बताया, साहब ने भी उनको बताया कि मजदूर भाइयों का जो सपना है, ये इतना बड़ा इंडस्ट्री का ऑफिस मिथुन चक्रवर्ती साहब के टाइम पे जब लिया था, उसका जल्द से जल्द उद्घाटन होए, और उद्घाटन होने के बाद अपने जो मजदूर भाई है उनको इस चीज़ का अच्छे से अच्छा लाभ होए। मुझे लगता है कि ये पूरे इंडस्ट्री में, जैसे साहब ने बताया कि इतना बड़ा ऑफिस इतने मजदूर यूनियन का किसी का नहीं है, ये मजदूर का जो पैसा है वो एक अच्छी जगह पे लगा है, और ये यहाँ पे उनके जो पीएफ के बाकी के जो जो समाज के काम है, वो समाज के काम अभी राम कदम साहब और हम लोग संजू भाई हम लोग सब मिलके यहाँ पे करने वाले हैं। क्या कारण से राम कदम साहब नहीं पहुँच पाए इतने बड़े यूनियन के सबसे बड़े ऑफिस में? आज उनका उनका पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम था, उनके जो साले साहब थे वो ऑफ हुए थे, तो उनकी आज तेरवी थी, इसके लिए वो आ नहीं सके, नहीं तो जरूर आने वाले थे वो कार्यक्रम में। और मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद मैं ऑफिस में आने वाले, संजू भाई को बताया ये फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम था, इसके लिए वो नहीं आ पाए। एक शुभकामना अपने सदस्यों के लिए, बस सब मतलब सब भाइयों को दिवाली की और आज भैया दूज की मैं शुभकामना देता हूँ, और आप सभी सभी लोगों को भी मैं दीपावली और भैया दूज की शुभकामना देता हूँ। ये अच्छे दिनों की शुरुआत है कि मजदूरों का ऑफिस भी इतना शानदार बना है। आज पूरा देश जो है मजदूरों की मेहनत पर तो टिका हुआ है। एलाइड मजदूर यूनियन को और उनके पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी मेहनत जो है आज रंग लेकर आई है। उन्होंने इतने सालों से जो मेहनत की है उसका रंग दिखाई दे रहा है, और बहुत खुशी की बात है। मैं विशेष तौर पर संजू भाई को, वैसे तो सारी दुनिया ने गंगेश्वर श्रीवास्तव जी के नाम से जानती है, लेकिन हमारे संजू भाई हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। मैंने भी सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में काफ़ी काम किया है, और मुझे इसका एहसास है कि कितनी मेहनत के बाद अपना ही एसोसिएशन का ऑफिस तैयार होता है, और उससे जुड़े हुए लोग जब उस ऑफिस को देखते हैं तो उन्हें अपनी मेहनत का भी एहसास होता है। मैं आज इन सब को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो एसोसिएशन है और तरक्की करेगी, संजू भाई के नेतृत्व में जो है आगे बढ़ेगी, और इनकी जो अपनी मूल समस्याएं हैं बेसिकली वो उनको सॉल्व करने में संजू भाई आगे बढ़ के अग्रसर होकर काम करेंगे, और क्योंकि इनकी समस्याएं समाप्त होंगी तो हमारी समस्याएं समाप्त होती हैं, देश की समस्याएं समाप्त होती है, देश आगे बढ़ता है, मजदूर खुश है तो हर कोई खुश है, तो सब इन्हीं की मेहनत पे टिका हुआ है। ये बधाई के पात्र हैं, संजू भाई जितने बधाई के पात्र हैं उतने ही बधाई के पात्र ये लोग हैं, क्योंकि इनकी मेहनत जुड़ जुड़ के ये सब इकट्ठी हुई है, और आज इस खुशी के मौके पर आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, और नववर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष जो है अलाइड मजदूर यूनियन के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। दादा के ने तो हमारे बहुत फोटो खींचे हैं। वाकई में दिल से खुशी हो रही है आज की, बहुत खूबसूरत ऑफिस बना है, और जितने भी मेम्बरान हैं उनको इसका फायदा होगा। क्या है, जब ऑफिस बड़ा होगा तो किसी से काम निकालना होगा तो ऑफिस देख के डर जाएगा। इसका काम कर दो भाई। नहीं, कदम साहब का तो खैर अपना रुतबा है, अच्छी बात है। ओपनिंग सेरेमनी के दिन सब हमारे जो भाई साथ में बैठे हुए हैं और जितने हमारे वर्कर्स भाई हैं, बोलने का अधिकार तो सबसे पहले वर्कर्स को होना चाहिए, लेकिन वर्कर्स की आज्ञा लेते मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले नया साल और दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो सबको, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, जिनसे आप लोग भी सहमत होंगे, कि जिस वक्त वर्कर अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अपनी जगह बना के इतना अच्छा ऑफिस बनाता है, तो यकीन मानिए हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की। यही सबसे पहले कहना चाहूँगा। रजा भाई जो है ना, हमारे वैसे पड़ोसी रहे हैं, जब से बम्बई में आए थे
और आज भी पड़ोसी हैं और जब भी ऐसे बैठते हैं तो बहुत अड़ोस पड़ोस में ही बैठते हैं। पिछले कई साल से, कितने साल से रहे भाई? भूल गए इतने इतने साल। तो उन्होंने एक मैसेज जरूर भेज दिया है, मैसेज मैं आपको पढ़ दूँ। ये मेरे नाम उन्होंने लिख दिया गलती से कि माई डियर हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ रीजन आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर न्यू ऑफिस ओपनिंग। My best wishes to you and SPT body, and my love to my thousands of workers, my lightmen, my setting man, spot boy. Sorry, I'm missing the occasion. My blessings and love to you. मुझे ये कल का दिन लग रहा है कि जब एलाइड मजदूर यूनियन की स्थापना हुई थी, एक छोटा सा पौधा था जिसमें उस दिन पानी डाला गया था, आज वो एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन गया है, एक पेड़ बन गया है। और वो एक ऐसा पेड़ है जिसमें बड़े अच्छे फलदार मीठे फल भी लग रहे हैं। इनके बिना, मजदूरों के बिना, वर्कर्स के बिना हम फिल्म बनाने का तसव्वुर कर ही नहीं सकते। क्या बात, क्या बात। बड़े नाम अपनी जगह हैं, लेकिन सिर्फ बड़े नामों से आप फिल्म नहीं बना सकते। इनके बिना आप फिल्म बना नहीं सकते। जिस तरीके से ताजमहल बना है, नाम तो शिराजी का हुआ है, नाम शाहजहां का हुआ है, लेकिन 20,000 मजदूरों ने जो उसकी ईंटें लगाई थी संगमरमर की, उनको भले लोग ना जाने, जिस तरीके से ताजमहल नहीं बन सकता था मजदूरों के बगैर, इसी तरीके से हमारी फिल्म इंडस्ट्री इन वर्कर्स के बगैर बन ही नहीं सकती। ये ना सिर्फ अपना काम बड़ी मेहनत से करते हैं, अगर हम कहीं आउटडोर शूटिंग में जाते हैं तो ये कलाकारों की हिफाजत भी करते हैं, ये जान पे खेलकर जितने भी कलाकार होते हैं, अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो ये अपनी जान पे खेल के कलाकारों की हिफाजत करते हैं। और मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं इनके हर फंक्शन में मैं शिरकत करूं, और मैं हमेशा करता हूं। तो ये सब अपने हैं, हमारे अपने हैं, हमारे जिगर के टुकड़े हैं। हमारी शादी तो बाद में हुई है, हमारी जो घर की फैमिली है वो हमारी सेकंड फैमिली है, पहली फैमिली तो हमारी ये है। क्या वाह, पहली फैमिली हमारी ये है। हम इनसे पहले परिचित हुए थे, अपनी बीवी से बाद में हुए, अपने बच्चों से बाद में हुए, तो हम इनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ये हमारा परिवार है। और बस मैं यही कहूँगा, आज जितनी खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ इस दफ्तर को देख के, मेरे पास शब्द नहीं है वो बयान करने के। इसमें इनका पसीना है, इनका खून है, इनके जज्बात हैं, इनकी मेहनत है, इनके जज्बात को, इनकी मेहनत को, इनके खून के एक एक कतरे को, इनके पसीने को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अली भाई आप कुछ आइए। नहीं नहीं, मैं हमेशा रजा भाई के साथ, जब भी एलाइड मजदूर का फंक्शन हुआ, श्रीवास्तव जी ने बुलाया, हम लोग हाजिर रहे, और हम लोगों की कोशिश होती है कि इनके हमेशा अच्छे बुरे वक्त में शामिल हों। बहुत शानदार ऑफिस बनाई गई है, बड़ी तबीयत खुश हो गई आके, और यहाँ पे तमाम लोग हैं, इन सबको मुबारकबाद। जितने भी लोग, जैसा कि रजा भाई ने कहा कि बगैर इनके सारा काम अधूरा है, तो ये बात सच है कि जिस तरीके से आप खाना खाएँ पानी ना पिए तो आपका पेट प्यासा रहता, अधूरा रहता, वैसे ही ये लोग हमारे भाई हैं, वर्कर हैं, और अल्लाह इन्हें खुश रखे, इनके बच्चों को खुश रखे, और इन सबको, तमाम लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। मजदूर एकता, मजदूर यूनियन। बधाई देता हूँ
कि जो मिथुन दा ने इस एसोसिएशन को, इस मजदूर यूनियन को, अलाइड मजदूर यूनियन को जो आगे बढ़ाया था, उसी तरह इन्होंने संजू जी ने उसको और सपोर्ट करके और बड़ा कर दिया और आज इतना बड़ा आलीशान खुद का ऑफिस मजदूरों के लिए बनाया। और मैं ये भी जानता हूँ कि इनके जो प्रोजेक्ट्स है जो मज़दूरों के लिए है, हालांकि मैं वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन से हूँ, वहाँ का मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन जो हमको करना चाहिए था मज़दूरों के लिए, ये खुद मज़दूर आगे आके ये अपने लिए बना के इनको दे रहे हैं और आगे के मज़दूर हैं उनको सब फैसिलिटीज़ देंगे, इंश्योरेंस दे रहे हैं, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये पूरे इंडस्ट्री को बता रहे कि आपको भी हमको जुड़ना है और जैसे हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आपको भी जुड़ के करना है। इन्होंने सही कहा रजा भाई ने कि मजदूरों के बिना ये इंडस्ट्री नहीं है, मजदूर है तो ये इंडस्ट्री चल रही है। आज उन लोग आज पीछे काम कर रहे हैं, करके ये सब आगे जा रहे हैं और आज पूरी दुनिया में आज हमारा इंडियन सिनेमा आज इतना आगे जा रहा है, लेकिन इसका मेन जो कारण है ये हमारे मजदूर है जो ईमानदारी में काम करते हैं। तो मैं वापस उनको अलाइड मजदूर यूनियन और पूरी कमेटी को उनको बधाई देता हूँ और बस यही दुआ करता हूँ कि और ये आगे बढ़े और मजदूरों के लिए और आसान हो उनको इस इंडस्ट्री में काम करने के। मैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। मैं आज के इस मौके पे इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इंडस्ट्री में मेरे साथ जो बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, मेरे ही भाई हैं जो एक बतौर कलाकार के रूप में आए और आज उन्होंने अपना अपना मुकाम हासिल किया और मज़दूरों के लिए हमेशा बहुत सोचा और बहुत सालों से सीनियरिटी से एसोसिएशन में और दूसरी जगह सबने काम किया। आज हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स गिल्ड की तरफ से, उन्होंने ख़ास तौर से मुझसे कहा था, देखिए प्रोड्यूसर्स जो एसोसिएशन जो होती हैं वो भी मज़दूरों के लिए हैं, मज़दूर उनके लिए हैं और प्रोड्यूसर्स हमेशा उनके लिए रहे हैं। तो आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा स्पेसिफिकली फ्रॉम फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से कि हमारा सारा सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगा और आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा, यही हमारी उम्मीद भी है, यही हमारी इच्छा भी है। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि प्रोड्यूसर भी एक वर्कर ही है, प्रोड्यूसर कोई ऐसा नहीं है, वो हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आवर एसोसिएशन आई कैन प्रॉमिस कि आपके साथ आने वाले सालों में हम सब लोग मिल के कदम से कदम मिला के चलेंगे, यही हमारी इच्छा है और यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी प्रभु से गुजारिश है। Thank you.